सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग ऑन यूट्यूब चैनल। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हार्ड स्टंट 191, जो कि हम लोग का राइडिंग का चैनल है। तो भाई, हम लोग मंगाए थे, आप पिछली बार वीडियो में आपको देखे होंगे कि हम लोग मंगाए थे वो ट्राईपोर्ट बोले तो, जो साइकिल में फिट करने वाला होता है। तो गाइस, ट्राईपोर्ट हम लोग का आ नहीं पाया, क्योंकि मतलब कैश ऑन डिलीवरी मांग रहा था भाई। अभी हमारा अकाउंट बना नहीं है, ना फ़ोन पे बना है, ना गूगल पे बना है, ना पेटीएम बना भाई। तो कैश ऑन डिलीवरी हो ही नहीं रहा था भाई, उसमें तो आ नहीं पाया। आज हमारे मतलब आपको एक तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊँगा। पहला व्हीली, सेकेंड स्टॉपी, और थर्ड आपको कंट्रोल करना बता दूंगा, हैंडल पैर से आप कंट्रोल करेंगे। तो ये है हमारे शिवम भाई, रुकिए। तो गाइस, हम लोग आपको, आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाइए गाइस, बाकी हम आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो लाते रहेंगे। और अगर कोई भी उसमें दिक्कत हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट हर चीज करिएगा भाई। तो ये हमारे शिवम भाई। हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम है, और यही हमारा आज गाइस वीडियो बनाएंगे। तो अभी आपको तीन स्टेप चलिए बताते हैं। तो शिवम भाई, लीजिए रिकॉर्ड। गाइस, हैप्पी भाई फर्स्ट स्टेप बताने जा रहे हैं। गाइस, फर्स्ट स्टेप आपको बताएंगे व्हीली करना। तो पहले आपको हम बताए थे, फर्स्ट स्टेप आपका है पैडल पे, सेकंड स्टेप है पीछे वाला ब्रेक। अगर गाइस पीछे वाला ब्रेक नहीं रहेगा तो आप पीछे की तरफ पलट सकते हैं, मतलब उठ सकता है आपका रिटर्न ज्यादा। तो थर्ड स्टेप आपका ये है, और फोर्थ स्टेप कोई बताता नहीं है, लेकिन हमको बताना पड़ रहा है। तो गाइस, जब भी आप ऐसे उठाएं, देख लीजिए गाइस कैसे मैं उठा रहा हूँ, जब भी आप ऐसे उठाएं तो आपका ब्रेक पहले सेंस आपका कंट्रोल करना सीखना चाहिए आपको। तो गाइस, जब भी आप पीछे पलटने वाले होंगे, जैसे पीछे मतलब ऐसे होने वाले हैं, गिरने वाले होंगे गाइस, तो आप पीछे वाला ब्रेक इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जैसे मैं चलाता हूँ, ऐसे चला रहा हूँ, पीछे गिरने वाला हूँ, तो ब्रेक सेंस मेरा काम कर गया। तो गाइस, ऐसे पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट स्टेप आपका है ये, कि मतलब पूरा अच्छे से चल जाएगा। दिखाइए पूरा चला। गाइस, हैप्पी भाई उड़ाने गए हैं साइकिल। तो गाइस, ऐसे करते। तो गाइस, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए ज़्यादा मतलब दूर तक नहीं चला पाया, लेकिन आपको जो जो चीज़ बताया हूँ वो चीज़ आपको फॉलो जरूर करना है। तो गाइस, हैप्पी भाई हमारे सेकंड स्टेप बताने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सेकंड स्टेप जो कि आपका होगा स्टॉपी, उसके लिए आपका ब्रेक सेंस बहुत ही तेज रहना चाहिए, जो कि आगे वाला ब्रेक। तो आगे पहला स्टेप है भाई, आपको पैडल में मारना है, मतलब स्पीड नहीं होगी तो कैसे करेंगे। और सेकंड है आपका पीछे वाला ब्रेक, आगे वाला मतलब, सॉरी गाइस, आगे वाला ब्रेक। और हम, मेरे भाई उतना ज़्यादा ब्रेक है नहीं, इसलिए हमको ईटे पे करके करना पड़ेगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगली वीडियो में हम बना लेंगे ब्रेक। तो अब देखिए कैसे उठाता हूँ, फिर ऐसे करके, ऐसे करना भाई, पलटना नहीं आपको, जो आपका ब्रेक तो छोड़ देना, जैसे ये ऐसे पलट। तो गाइस, आपका ब्रेक सेंस मतलब जो भी आप पलटने वाले हो, मतलब पीछे का टायर जब आपका उठने वाला हो तो आप पलटे ना, इसके लिए आपको ब्रेक छोड़ देना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, मेरे में गाइस ब्रेक नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो मोड़ के लाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, क्यों भाई बढ़िया से दिखाइएगा। गाइस, सब पे भाई मोड़ने गए हैं। तो गाइस, मेरे में ब्रेक नहीं था तो इसलिए इतना अच्छा हो नहीं पाया, तो कोशिश करूंगा अगली बार से अच्छा करूंगा। तो अभी मैं आपको दूसरा स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, अभी हमारा थर्ड स्टेप, ये हमारी आगे आ जाइए। थर्ड स्टेप आपका है कि मतलब आपको कंट्रोल हैंडल से, आप अपने पैर से आप हैंडल से कंट्रोल, हैंडल पे कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए पहली चीज़ चाहिए आपको, ये पैडल चाहिए। सेकेंड आपको चाहिए इस पर पैर रखना, आपको धीमे धीमे पहले सीख लेना, ताकि गिरे तो चोट ना लगे, ऐसे धीमे धीमे हैंड, हाथ हाथ पकड़ के भाई। फिर उसको लास्ट में आपको क्या करना है, आपको पैर से हाथ छोड़ के भाई, आपको इधर उधर हैंडल ऐसे ऐसे बस करना है, खाली ऐसे ऐसे आप कंट्रोल करना थोड़ा बहुत सीख लेता है, ठीक है भाई। उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका, इस पर ऐसे धीरे धीरे कंट्रोल करें, एंड ये देखिए कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा गाइस। अब मैं तो मोड़ना भी सीख लिया, वो तो आप धीमे धीमे सीख ही लेंगे। तो गाइस, मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई गलती हो भाई, छोटा भाई समझ के क्षमा कर देना। तो मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।